काशी सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समयुक्तं बिंदावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन्। धैर्यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तेतास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं एतात्यहं पुनतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गवदुषदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः राधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधक्षये अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मासु प्रसीदति। गौरी गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताए, जीवात्मा का स्वाभाविक आत्मा का धर्म है। जीवात्मा का जो स्वाभाविक धर्म है यह भागवत धर्म। सौ वही पुंसां परो धर्म यह तो भक्ति रधक्षय अहितु के अप्रतिहता जय आत्मा सुप्रसिद्धते। गौरी गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, जीवात्मा का नेचुरल स्वाभाविक वृत्ति है भगवत चरण में प्रपत्ति स्वीकार करना, भजन करना। भगवत भजन जीवात्मा का स्वाभाविक वृत्ति है। सौ बोई, बोई मतलब निश्चितमेव, निश्चित रूप में, निश्चित रूप में ये समझ लेना जे जीवात्मा का स्वाभाविक जो धर्म है, नेचुरल जो फंक्शन है, ये हरि भजन करना, भगवत भजन करना निश्चित रूप में, जिसमें अध्यक्ष जो भगवान का चरण में भक्ति उत्पादन हो जाए, अध्यक्ष जो भगवान का चरण में भक्ति हो जाए। जो भक्ति को भागवत जी महापुराण में अमृत तो बताया गया, मई भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। मेरा चरण में जीवों का जो भक्ति है यही अमृत, वास्तविक अमृत, वास्तविक अमृत है, यही वास्तविक अमृत है। और अमृत बोल के जो चीज़ स्वर्ग में है, अमृत बोल के जो चीज़ स्वर्ग में है, यह अमृत के द्वारा कुछ नहीं होने वाला, यह अमृत के द्वारा कुछ नहीं होने वाला। भगवत भक्ति अमृत सौ वही पुंसां परो। अध्यक्ष जो भगवान का चरण में भक्ति उत्पादन हो जाए, अतः सेवा का वृत्ति का उन्मेष हो जाए, ये सबसे बड़ा चीज़ है। यह तो भक्ति अध्यक्ष अहितु की प्रभुपाद कह रहे हैं, इसमें कोई लेना देना का चक्कर नहीं है। कोई अगर कहे भाई हम क्यों करेंगे, इसके बदले में क्या मिलेगा, यह है बिजनेस पॉलिसी। प्रहलाद महाराज जी को नरसिंह भगवान बार बार कह रहे हैं, प्रहलाद तुम कुछ ले लो, वर देने के लिए आए हुए हैं हम, मैं वरदर सब तो कुछ वर ले लो। प्रहलाद कहते हैं ठाकुर जी वर लेके क्या करें, आप मेरा निरुपाधिक स्वामी हो, मैं आपका निरुपाधिक सेवक हूँ, इसमें लेने देने का तो कोई चक्कर है नहीं, मैं चाहता नहीं कुछ, आपको कोई बर्फर कुछ नहीं चाहिए। बाप आए हुए हो, आप दर्शन दिए हो, कृपा किए हो, यही काफ़ी है ना। फिर भी कुछ ले लो, मैं आया हुआ हूँ, फिर कुछ ले लो। तो प्रहलाद महाराज जी ने बाद में बताया, देखो ठाकुर जी, अगर आप वर देना चाहते हो, आप अगर वर ही देना चाहते हो ठीक है, ऐसा वर दे दो कि कामानाम हृदय संग्रहो भवतस्तु विनेवरम। अब ऐसा मेरे को आशीर्वाद दे दो, वर दे दो, अब मेरे को ऐसा वर दे दो जो जिंदगी में कभी भी कोई चाहत न पैदा हो जाए। कामानम हृदय संग्रहो भवतस्तु विनेवरम। मैं यही बात मांगता हूँ कि मेरा हृदय में कोई कामना वासना कोई अंकुरोद्गम तक ना हो, यही मेरा वर है आपका। प्रभुपाद कह रहे हैं देखो, अहेतु की अप्रतिहता, ये दोनों बात पर ध्यान देना है। अहेतु की मतलब कोई कारण नहीं है, मैं कोई उसमें कोई लेना देने का चक्कर नहीं है, लेने देने का कोई चक्कर नहीं। अहेतु की क्यों भगवान को प्यार करता हो, ऐसे ही भगवान को अच्छा लगता है, प्यार करता हूँ। अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध थे। अहेतुकी सब अहेतुकी कोई अहेतुकी का मतलब कोई आदमी बोलता है जो कोई वजह नहीं है, कारण नहीं है। अहेतुकी मतलब कोई कारण नहीं है, ऐसा माने करता है अहेतुकी। हेतु मतलब कारण है, अहेतुकी माने कोई कारण नहीं है। लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी चीज़ होता नहीं जिसका पीछे कोई कारण नहीं है। इस दुनिया में अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसका पीछे कोई कारण ना हुआ होगा, कारण जरूर होगा। तो अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी का मतलब कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ऐसा माने भी हो सकता। और अप्रतिहता मतलब अनएवेटेड, अतः उसमें रोकना मुश्किल है। अहेतुकी अप्रतिहता मतलब इसको रोकना मुश्किल है। अहेतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब है जिसको रोका नहीं जाए। जैसे एक मिसाल उदाहरण दिया जाए, हिमालय का चट्टी से गंगा जी, अलकानंदा, मंदाकिनी, सब सारे धाराएं वो बहती हुई आ रही है और पहाड़ का पत्थर का चट्टान का साथ एक धक्का लग के एकदम उछल के कूद पड़ते हैं दूसरा ओर। मतलब ये बहती हुई नदी का फोर्स इतना है, इसका वेग इतना है कि पहाड़ पत्थर का एक बड़ा चट्टान भी कुछ नहीं है, इसमें एक धक्का लगाकर और पानी का उछालते हुए दूसरा जगह से गिर जाती है। मतलब इसको रोकना मुश्किल है। अप्रतिहता जिसका गति को रोकना संभव नहीं है, इसको अप्रतिहता। प्रतिहत मतलब रोकना, अप्रतिहता। अहेतुकी का माने हमारा टीकाकारों ने बहुत सारे भी किया है। एक तो ऐसा तर्क चलता है दुनिया में, अहेतुकी, अरे आप बोल दिया अहेतुकी, तो अहेतुकी अप्रतिहता है, अहेतुकी तो इसका भक्ति हुई है तो सब कोई का क्यों नहीं होता है? अगर अहेतुकी है तो सब कोई को होना चाहिए। तो अहेतुकी का मतलब अगर कोई कारण नहीं है तो सब, तो उसको क्यों दिया भक्ति? हर कोई को होना चाहिए ना। तो अहेतुकी का मतलब कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, ये ठीक है। लेकिन अहेतुकी का पीछे और भी एक राज है। ये शुद्ध गुरु वैष्णव का किसी जन्म में किसी प्रकार से किसी भी हालत से कुछ ना कुछ हुआ होगा। धाम नाम भक्तों के अलावा तो होता नहीं, कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसके कारण जीव गोस्वामी पाद जी ने यादृच्छिकी का व्याख्या किए हैं। यादृच्छिकी व्याख्या किए हैं, जे साधु गुरु वैष्णव का अप्राकृत तो प्रेम विलास में इनका आने जाने का क्या करता है नहीं कहता, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार से यादृच्छिकी का व्याख्या किया है। किसी प्रकार से ऐसा जो शुद्ध गुरु वैष्णव जिसका आचार आचरण कोई मेटेरियल जगत का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, ऐसा कोई संत महात्मा का न जाने क्यों इसका दृष्टि पड़ गया किसी के ऊपर, या तो कोई बद्ध जीव का कि कैसे इस साधु का साथ थोड़ा सा हो गया एक्सचेंज, कुछ प्यार व कुछ हुआ होगा। इसके द्वारा जो इसका अंदर में एक छुपा हुआ राज रहता है इसी को अहेतुकी बोला जाता है। अप्राकृत गुरु वैष्णव का गोती चलना फिरना बोलना ये तो परमंश है, इसका कोई यदृच्छा ऐसा कोई जीवात्मा का साथ कुछ थोड़ा बहुत एक्सचेंज हुआ होगा, कुछ हुआ होगा कृपा का, इसके द्वारा संचित, इसके द्वारा जब पूर्व संचित कुछ सुकृति है और जनरल सुकृति अगर कहे तो ये भी ठीक नहीं है। तो जीव गोस्वामी पाद ऐसा व्याख्या किया है, इसके द्वारा इसका अंदर में, इसका अंदर में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भक्ति अनुकूल कुछ ना कुछ आ जाता है अंदर से अहेतु की अप्र, इसीलिए अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। विष्णु वैष्णव धाम नाम चरणामृत कुछ भी किसी के साथ थोड़ा संयोग हो गया होगा, ऐसा किस्म का जो लाखी जीव है, सौभाग्यशाली जीव है, इसी का ही अहेतु की अप्रतिहता भक्ति प्राप्त करने का सुयोग होता है और हर किसी का नहीं। जय आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा का प्रसन्नता, कोई खाने पीने में बड़ा आनंद लेने से मौज, खाओ पियो मौज करो, ऐसा कोई व्यवस्था के द्वारा आत्मा का प्रसन्नता नहीं होता है। इसके द्वारा जीवात्मा जो माया में माया का अंदर में फंसा हुआ है, ये माया का आनंद है, ये माया का आनंद है। वास्तविक जो आनंद है, अपराकृत आनंद है, ये सुप्रसिद्ध थी। ऐसा मापिक अहेतु की भक्ति के द्वारा किसी का अंतःकरण विभावित हो जाए, अंतःकरण, तो इसमें क्या हुआ, आत्मा का प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, दिल खिल जाते हैं। प्रसन्नता का माने मेटेरियल जगत में बहुत कुछ हो सकता है, प्रसन्नता का माने कुछ हो सकता है, कोई अच्छा खाने दिया प्रसन्न हो गया, कुछ करने गया अच्छा कुछ किया किसी ने, इसका लिए प्रसन्नता हो गया, किसी जगह घूमने गया, बड़ा चलो किसी जगह घूमने गया, आउटिंग में गया, बड़ा आनंद, दिल खोल गया, लेकिन ऐसा प्रसन्नता के बारे में बोला नहीं। जय आत्मा, जया आत्मा, जिनके द्वारा अंतरात्मा प्रसन्नता हो जाती, ये एक्चुअल प्रसन्नता, जो एपरेंटली अपेक्षिक जो प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता के बारे में बोला नहीं, ये तो तात्कालिक है, अभी प्रसन्न हो गया मन, 2 मिनट बाद फिर अप्रसन्न हो गया, कुछ ऐसा हो गया अप्रसन्न हो गया, ऐसा प्रसन्नता का बात नहीं बोला है। ऐसा प्रसन्नता नहीं है जिस प्रसन्नता के द्वारा वास्तविक अंतर आत्मा का जो प्रसन्नता है, दिल खिल जाते हैं, आनंद से झूम पड़ते हैं, ऐसा। और भगवान ने गीता में कह भी दिया बहुत सुंदर, ये देखो हम जीवों का पाप पुण्य कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, ये तो जीव अपना कर्म फल के अनुसार भोगते रहते हैं। अज्ञान के द्वारा जीव विमोहित है, अज्ञान के द्वारा जीव विमोहित अवस्था में है, इसी अवस्था में ये पाप पुण्यों अलग अलग सा क्रियाकर्मों विस्तार करते रहते हैं। ये मेरा आदेश नहीं है, मैंने बोला था सर्वधर्मानम परित्यज्य मामेकम शरणम भजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, लेकिन इन्होंने माना नहीं मेरा बात, तरह तरह का कामना वासना का पीछे दौड़ते रहे और इसमें वो फंस गया, सुख दुख होते रहेगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्या करूं, ऐसा ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हर वक़्त यही बात को खुलासा करने का कोशिश किया। आत्मा का जो स्वाभाविक वृत्ति है भक्ति ये, और नाम संकीर्तन के द्वारा सब कुछ मिलता है, सब कुछ साधु साधन तत्व जे कुछ सकल नाम संकीर्तन में मिलीबे सकल। साधु साधन तत्व का जो कुछ भी गहरा विचार है साधु साधन तत्व सारे के सारे नाम संकीर्तन के द्वारा मिलता है और कुछ नहीं। ठप पिछले दिनों में मैं चर्चा करते करते यहाँ तक आया। यह ने बताया भगवान का स्वाभाविक तीन शक्ति है, भगवान का अनंत शक्ति है, लेकिन कैटेगोरिकली तीन विभाग किया जाए, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। और चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति ये है। और अपराकित जगत में लादिनी शक्ति, संदिनी, संवित ये भगवान का अंतरंगा शक्ति का ही अलग अलग का विभाग है। इसका बारे में भी चर्चा किया। लादिनी, संदिनी हैं, संवित तयेका, सर्वसंस्थितो लाद ताप करी मिश्रा त्वयि नौ गुण वर्जिते, ये बताया था। हे भगवान सर्वाश्रय जो आप हो, निर्गुण जो आप हो, आपका अंदर में जो लादिनी, संधिनी, संवित त्रिविध व्यापार सब चिन्मय, कोई मटेरियल नहीं। और माया बस की योग्यो, माया के द्वारा प्रभावित होने वाले चित्कन जीव मायाविष्ट होकर माया का त्रिगुण का आश्रय करके जिस अवस्था में अभी पहुँचे हुए हैं, इसमें इसका शक्ति लात करी, ताप करी और मिश्रा तीन प्रकार भाप है। हमने बोला भी था अपरागिक जगत का जो लादिनी शक्ति, इसका ही परवर्टेड रिफ्लेक्शन होके दुनिया का प्रेम का रिश्ता होता है। मैंने भी बताया था संदिनी शक्ति के द्वारा जगत का, अपरागिक जगत का सारे निर्माण परिकर आदि जो कुछ भी है, और इसका ही परवर्टेड रिफ्लेक्शन इस जगत में जिसका सारे पीयूष दिखाई पड़ता है, सब संधिनी शक्ति का परवर्टेड रिफ्लेक्शन। संवित मतलब ज्ञान, संवित ये संवित अपरा की जगत में जो प्रेम प्यार का रिश्ता है, इसी को उजागर करके रखते हैं। और ये संवित इस जगत का अंदर में मेटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी जितना सारे ज्ञान है, सब संवित शक्ति का परवर्टेड रिफ्लेक्शन रूप में दिखाई दे। लेकिन सब वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में चिन्मय होके विराजमान है। इस जगत में इसका विकृत प्रतिफलन दिखाई पड़ता है, क्या करे। तो मैंने चर्चा करते हुए बताया था संधिनी का सार है शुद्ध सत्व, संधिनी का सार है शुद्ध सत्व, संधिनी के द्वारा एग्जिस्टेंस होता है। संधिनी शक्ति का परवर्टेड रिफ्लेक्शन इस जगत का सारे जो दिखाई पड़ता है, सब कुछ जिसका अस्तित्व है, सारे मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये संधिनी शक्ति का परवर्टेड रिफ्लेक्शन। और अपरागिक जगत का संधिनी शक्ति का सार अंश शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व नाम है भगवान का सत्ता, ये शुद्ध सत्व का अंदर विश्राम है, जिसका बारे में शंकर भगवान जी ने बताया। यहाँ बाद में हम चर्चा किया था, जैसे पहले बोला माता पिता स्थान, जिस स्थान में भगवान रहते हैं, पिता माता भाई बंधु जो कुछ भी है, गृह, इसका मंदिर, शय्यासन, आसन, शय्या, ये सारे जो कुछ है शुद्ध सत्व का विकार है। भगवान का जो कुछ भी है, आवास, आराम, पादुका, जो कुछ भी है, समझो यूँ समझो जो कुछ भी है, ये सब कृष्ण का शुद्ध सत्व का विकार है। शुद्ध शक्तों का धारा ये सब बनाया गया है, जिसका बारे में शंकर भगवान जी ने बताया चौथा स्कंद में। सत्यम विशुद्ध्यम वसुदेव शब्दितम जदीयते तत्र पुनः पुमान अपावृतः सत्ये च तस्मिन् भगवान् वासुदेव ही अधक्ष जो में मनसा विधीयते। क्या बताया? सत्यम विशुद्ध्यम वसुदेव शब्दितम जदीयते तत्र पुमानम् अपावृतः सत्ये च तस्मिन् भगवान् वासुदेव हि अधक्षजो मे मनसा विधीयते है। इसका मतलब महादेव कह रहे हैं, महादेव जी शंकर भगवान गुरु जी कह रहे हैं, भगवान का सर्वशक्ति, भगवान का सर्वशक्ति का अंदर संधिनी का प्रभाव से शुद्ध सत्वरूप नित्य तत्व एक विराजमान है। जैसे वसुदेव का अंदर में वसुदेव जी महाराज का अंदर में विशुद्ध सत्व का अधिष्ठान हो गया। इसमें वसुदेव जी के हृदय में भगवान ने आविर्भाव हुआ। वसुदेव जी से देवकी मैया का अंदर में, देवकी मैया से और भगवान आविर्भाव हुआ। शंकर भगवान जी ने बताया सत्यम विशुद्ध्यम वसुदेव शब्दितम जदीयते तत्र पुमानम् अपावृतः सत्ये च तस्मिन् भगवान् वासुदेव हि अधक्षजो मे मनसा विधीयते। महादेव कह रहे हैं, भोले बाबा शंकर भगवान कह रहे हैं, भगवान का सर्वशक्ति का अंतर्गत संधिनी का प्रभाव से जो शुद्ध सतरूप जो नित्य तत्व विराजमान है, इसी का नाम है वसुदेव। सब वसुदेव का अंदर में वासुदेव आविर्भाव हुआ। वसुदेव का माने है जिसका अंदर में शुद्ध सतो भाव, और शुद्ध सतो भाव वसुदेव जी महाराज के अंदर में आया, तो इसीलिए वासुदेव कृष्णो वसुदेव का अंदर में, वासुदेव कृष्णो वसुदेव का हृदय में प्रकट हुआ, क्योंकि शुद्ध सत्व है। भगवान शुद्ध सत्व का अलावा किसी जगह अधिष्ठित नहीं होता। भगवान माया का अंदर में आ नहीं सकता, संभव नहीं। ऐसे ही भोले बाबा जी ने बताया भगवान का सर्वशक्ति का अंतर्गत संधिनी का प्रभाव से शुद्ध सत्वरूप जो नित्य तत्व विराजमान है, इसी का नाम है वासुदेव। यही शुद्ध सत्व में, यही शुद्ध सत्व का अंतर में, यही शुद्ध सत्व का अंदर में चैतन्य स्वरूप भगवान का नित्य प्रकाश माना जाता है। इसी का नाम है वासुदेव, इसी का नाम है वासुदेव। ये वासुदेव जो है, ये जोड़ियों मेटेरियल और माइक समस्त इंद्रियों का अतीत वस्तु है। ये जो वासुदेव हैं, ये जोड़ियों मेटेरियल कोई कंटामिनेशन का दाद, इसका कोई मेटेरियल जगत में इसका साथ किसी का साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। ये जड़ियों और माइक्स तमाम इंद्रियों का अतीत वस्तु है। भक्ति विभावित चित्तों में, भक्ति विभावित चित्तों में मैं, शंकर भगवान कह रहे हैं, मैं भक्ति विभावित चित्तों में इनको स्वादर प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। इसमें मैं प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, मैं भक्तिपूत चित्तों में इनके प्रणाम विधान करता है। तात्पर्य यही है कृष्ण स्वरूप इत्यादि ता सर्वशक्तिगत संधिनी नित्य कार्य कृष्ण स्वरूप जो भी है, कृष्णेर भागवत ज्ञान संविदे साध कृष्णो जो साक्षात भगवान है, कृष्णो जो साक्षात भगवान है, भगवान श्री कृष्णो जो साक्षात भगवान है, परात्पर अखिलेश, ये जो ज्ञान है, भगवत तत्व, कृष्णों का भगवत तत्व का जो ज्ञान है ये संगीत का सार है। संगीत के द्वारा, संगीत शक्ति के द्वारा अपराकृत जगत का जितना सारे अपराकृत वस्तु हैं ये सारे के सारे का ज्ञान, सेंस ऑफ रिलेशनशिप, अपराकृत जगत का जो कुछ भी है यह अपराकृत जगत का जो ज्ञान है, सारे रिश्ते हैं और जो अपराकृत जगत का जो ज्ञान है सारे जो है ये संबित शक्ति। आर्य संबित शक्ति का विकृत प्रतिफलम परवर्टेड रिफ्लेक्शन इस जगत में मेटेरियल नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी है, फिजिक्स के जो कुछ भी है, मैंने दुनिया भर का जो कुछ भी ज्ञान है सब ये संबित शक्ति का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। लेकिन कृष्णों जो भगवान है, स्वयं भगवान जो कृष्ण हैं, भगवान का जो भगवत्ता ज्ञान है ये संबित का एक्सट्रीम सार वस्तु है। ब्रह्म ज्ञानादि को सप्तार परिवार, अर्थात कोई अगर पूछे जो संबित का ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये भी है, बोला हाँ ये भी है, लेकिन कृष्णो भगवान, कृष्णो ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं इसका जो भगवत्ता है, कृष्ण जो भगवान है सुप्रीम लॉर्ड, इसका जो नॉलेज है, इसका बारे में जो तत्व है, ये तत्वों का पूरा जानकारी, कृष्ण तत्वों का संपूर्ण जानकारी जो है, नॉलेज, ये संबित का एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है, सार वस्तु है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान आदि ये भी है, लेकिन ये थोड़ा पार्शियल एक्सप्रेशन संगत और लादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, लादिनी का सार है प्रेम और प्रेम का सार भाव है। भाव का पराकाष्ठा का नाम है महाभाव। ये ऐसे ही नियम है। ये जो लादिनी का सार प्रेम है, लादिनी का सार प्रेम है, प्रेम का सार भाव है, भाव का पराकाष्ठा का नाम है महाभाव, जो श्रीमती राधा रानी का अंदर में रह सकता है भाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खणी कृष्णो कांतो शिरोमणि। महाभाव स्वरूपिणी, महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, ये महाभाव जो है एकमात्र तो श्रीमती राधा रानी का अंदर में हो सकता है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खणी, तमाम गुणों का खजाना है, सर्वगुण खणी कृष्णो कांतो शिरोमणि, कृष्णो कांता शिरोमणि। सर्वगुण खणी तमाम गुणों का खजाना है और कृष्णो कांता शिरोमणि। कृष्ण कांता, सारे गोपियों जो हैं भगवान का सर्वशक्ति का विलास, ये गोपियों जो है ये भी कांता है, लेकिन सारे कांता, ललिता, विशाखा, रंगोदेवी, सुदेवी, सब कुछ ऐसा कांता, सारे कांता, लेकिन इनमें से श्रीमती राधा रानी टॉपमोस्ट, सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। जितना सारे कांता है इसमें श्रीमती राधा रानी टॉप मोस्ट, कृष्ण कांता शिरोमणि। उज्ज्वल नीलमणि का गंधुक, उज्ज्वल नीलमणि, ये जो ग्रंथ है, किताब है, ये बड़ा बहुत ऊंचा विचार है। इसमें ये साधारण आदमी के लिए नहीं है, रसो तत्व का बड़ा खुलासा इसमें अंदर में है। लेकिन ये किताब, ये जो किताब है ये कोई साधारण आदमी के लिए नहीं है। ये जो किताब है ये बड़े बड़े संत महात्मा के लिए, मामूली कोई साधारण। तो ये उज्जवल निन्मणि में श्री राधा रानी का तत्व का प्रकरण में लिखा गया, तयोरोपी उभयोर मध्ये राधिका सर्वोथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणैरति बरीयसी। तयोरोपी, तयोरोपी ये जो ब्रजोविलासिनी गोपी गणों का अंदर में श्री चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी ऊँचा है। जितना गोपियों हैं, गोपियों का अंदर में राधा रानी और चंद्रावली टॉप-नॉच हीरोइन। लेकिन इनके अंदर में भी राधा रानी टॉप-नॉच, चंद्रावली। तो ब्रजोविलासिनी गोपियों का अंदर में श्रीमती चंद्रावली और श्रीमती राधिका रानी श्रेष्ठा है। इन दोनों का बीच में अगर विचार करें, ये दोनों का बीच में अगर विचार करें, श्रीमती राधा रानी हर हालत में श्रेष्ठ है, श्रीमती राधिका सर्व प्रकार में श्रेष्ठ है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी के अंदर में महाभाव स्वरूप है राधा रानी, किसी का अंदर में ये नहीं है महाभाव। इनके तुल्य बराबरी गुण और किसी का अंदर में हो ही नहीं सकता। तयोरोपी उभयोर मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणैरति बरीयसी। श्रीमती राधा रानी का तत्व का बारे में ये खुलासा है। और कृष्ण प्रेम भावितो, जिनके अंतःकरण कृष्ण प्रेम के द्वारा हर वक़्त विभावित है, जिसका अंतःकरण में कृष्ण छोड़कर कुछ नहीं है, कृष्णो और वृंदावन छोड़कर श्रीमती राधा रानी का अंतःकरण में कुछ नहीं है। If you like to search out the heart of Srimati Radha Rani, only see Vrindavan and Krishna, nothing else. Only, nothing. Nothing, only Vrindavan and Krishna. So, Srimati Radha Rani already told in Kurukshetra when they met with Krishna, Aner hidaya mon, mor mon Vrindavan, mone bone ek kori mani, तहाँ तुम्हार चरणोदय यदि कराओ उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मान। श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में बहुत दिन बाद भगवान श्री कृष्ण साथ मिलन हुए। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी लोग गए हुए हैं, श्रीमती राधा रानी और द्वारकावासी सारे लोग आए हुए हैं कुरुक्षेत्र में। वहाँ राधा रानी का साथ, ब्रज गोपियों का साथ कृष्ण का मिलन हुई। और उस समय राधा रानी कह रही हैं जे दूसरे का हृदय में मन में जाए तो कचड़ा है। अनेर हृदय मन, इनके हृदय में जो है मन में, लेकिन मेरा मन ही हृदय है। मेरा मन और हृदय में कोई पार्थक्य नहीं है, तमाम भरपूर है भगवान श्री कृष्ण और कुछ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अनेर हृदय मोन, जिनके हृदय में जो है मन में है, अनेर हृदय मोन मोर मोन वृंदावन। मेरा मन है वृंदावन और मन और वन एक ही है। मेरा अंदर में वृंदावन छोड़कर कुछ नहीं है और कुछ। अनेर हृदय मोन मोर मोन वृंदावन मोने बोने एक कोरी मन, तहाँ तुम्हार चरणोदय यदि कदाओ उदय तब तुम्हार पूर्ण कृपा मान। इस वृंदावन में अगर आपका चरण का उदय हो जाए वृंदावन में, तो मैं मानती हूँ कि ये पूर्ण कृपा, नहीं तो मैं पूर्ण कृपा मानता नहीं। अगर आपका चरण वृंदावन में उदय हो जाए ब्रजवासियों को बचाने के लिए, तो मैं सोचें कि ये पक्का कृपा है, तबे तुम्हारा पूर्ण, नहीं तो बहाना से कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो बहाना से कुछ नहीं बोले वाला। सो कृष्ण प्रेम भावितो जार चित्तेंद्रियों का है, जिसका मन प्राण सब कुछ चित्तो इंद्रियों का है, जिसका चित्तो अंतःकरण तमाम इंद्रियोग्राम मन और ये शरीर सब कुछ कृष्ण प्रेम के द्वारा विभावित है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने जाओ तो आपको लगेगा बालू लगेगा, सीमेंट लगेगा, प्लास्टर करने के लिए ईंटा लगेगा, बहुत कुछ सुर्खी लगेगा बहुत। लेकिन श्रीमती राधारानी का कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, श्रीमती राधारानी का पूर्ण फीचर जो है सारे प्रेम से बनी हुई है। बड़ा आश्चर्य। कृष्ण प्रेम विभावितो जार चित्तेंद्रियों का है, जार जिसके हार्ट चित्तो इंद्रियों और काय मन वाक्य सब कुछ कृष्ण प्रेम के द्वारा विभावित है। मानो कि कृष्ण प्रेम को एक स्वरूप दिया गया, मानो कि कृष्ण प्रेम को लेकर जैसे मिट्टी देकर बच्चा लोग बनाता है, पुतली बनाता है, जैसे ऐसे ही सोचो, यूँ सोचो कि बच्चा लोग जैसे मिट्टी देकर क्ले, मिट्टी देकर पुतली बनाता है, ये बनाता है वो बनाता है। तो इस श्रीमती राधारानी का जो संपूर्ण जो स्वरूप है ये कृष्ण प्रेम के द्वारा विभावित है। यूँ समझ कृष्ण प्रेम भावितो जिनके जार चित्तेंद्रियों काय कृष्ण निज शक्ति राधा की राह सहाय। यूँ समझो कृष्ण प्रेम के द्वारा विभावित जिसको चित्तो इंद्रियों काय सब कुछ और कृष्णों का एकदम अंतरंग शक्ति कृष्णो निज शक्ति राधा रानी। ये किससे राधा रानी अलग है? क्योंकि शक्ति शक्ति मतलब और ठीक है, शक्ति शक्ति मतलब लेकिन एकाकी नहीं बरमते, अकेला लीला नहीं होता, अकेला 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 खेला नहीं होता ना। इसीलिए कृष्णो निज शक्ति राधा कीड़ा सहाय, कीड़ा माने खेलने का सहाय। एकाकी रोई रमते, अकेला क्या किया जाए, अकेला तो होता नहीं, अच्छा मज़ा नहीं होता। इसलिए कृष्णो निज शक्ति राधा भगवान का जो लीला विलास है, ये लीला विलास का सहयोग करने के लिए भगवान का जो आनंदमय विलास है, भगवान का जो आनंदमय लीला है, ये आनंदमय लीला को सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी आई कीरा सहाय, यूँ समझ लो। और इसका बारे में ब्रह्म संगीता में प्रमाण है, गोलोक खंडों में, गोलोक वृंदावन में ब्रह्म संगीता में प्रमाण है, 5वां अध्याय का 37 नंबर श्लोक। आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी स्थावीर्ज एव निजुर्भत्तया कला भी गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत गोविंदमादि प्रसन्नतम। ब्रह्म संगीता में बोला गया आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थावीर्ज एव निजुर्भत्तया कला भी गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविंदो आदि पुरुषम तमाम भजामि। आनंद चिन्मय रस के द्वारा, आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावित जो गोपीगण हैं, आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावित जो गोपियों हैं, गोपियों इन लोगों का साथ सौर स्वरूप में अखिलात्मभूतो आदि पुरुष गोविंद का जो एक नित्य लीला है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी अर्थात आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावितो निर्माण कंस्ट्रक्टेड और निर्माण जो गोपी सकल गोपियों का साथ स्वस्वरूप में अखिलात्म भूतो गोविंद का जो नित्य विलास है, इसी के बारे में बोला है। आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविताभिर स्थाभिर या एवं निजरूपतया कला आनंद चिन्मय रस प्रतिभा स्थाभिर जो एवं निजरूपतया कला गोलोक एव निवसती अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजा। आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावित जो गोपी सकल है, ये गोपी कोई लड़की नहीं है, कोई औरत नहीं है, ये बोला आनंद चिन्मय रस के द्वारा बनाया गया। आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावित अर्थात गोपियों का अस्तित्व ऐसा ही नित्य है। शक्ति शक्ति मतलब प्रतिभावित जो गोपी सकल है, इन लोगों का साथ स्वस्वरूप में अखिलात्म भूतो आदि पुरुष गोविंदो का नित्य विलास है, नित्य निवास है। इसी गोविंद को मैं भजन करता हूँ। आनंद चिन्मय रसो प्रतिभा विताभि स्थाभिर या एव निजरूपतया कलाभि गोलोको एव निवसती अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमाम। यही है गोविंद। कृष्ण रे कराए जो इच्छे रस साधन। कृष्ण स्वयं रसिक है। कृष्ण स्वयं रसिक शेखर है। कृष्ण रसिक है, रसिक शेखर। और कृष्णों को कैसे रस पिलाती है गोपियों का, गोपियों ने पिला। सिर्फ गोपी नहीं, ब्रज बालक जो है वो लोग भी एक एक किस्म का रस पिलाते हैं। सखागन सखो रस पिलाती हैं, दासगन दासो रस पिलाती हैं, यशोदा नंद बाबा ये सब जो पिता माता है वात्सल रस एक्सचेंज करते हैं, आनंद लेते हैं। वात्सल रस तो आस्वादन करता है नंद बाबा जस्तोबा। शांतो रस आस्वादन के, शांतो रस का जो ग्राहक है, ग्राहक कृष्ण के सामने रखकर वो लोग आसन। शखरस भी दासरस भी सारे कृष्ण को सामने रखकर ये लोग रस को आस्वादन कर दोहन करते हैं। क्योंकि कृष्णो रसो वैश, कृष्णो रसो वैश, रसो एव ही अयम लब्धानंदी भवति। कृष्ण ही रस है, कृष्ण रस का सोर्स है। और कृष्णों का साथ तमाम ये जो शांतो दासो सखो रसो इसका रस का विलास लेते हैं भक्त लोग। और कृष्ण को आनंद भी देता है, कृष्ण को आनंद देता है। कृष्ण रे कराय यो इच्छे रस साधन किरार सहाय यो इच्छे सुनो विवरण। कृष्ण को तरह तरह का रस आस्वादन करवाने के लिए ये लोग व्यस्त है। वृंदावन के अंदर में सारे नंद बाबा जसोदा माँ जितना सारे ब्रजबालक है, सखा बंधु पिता माता गोपी सब कुछ कृष्ण रे कराय जोई छे। कृष्ण रे कराय जोई छे माने जैसे कृष्ण को रस आस्वादन कराते हैं। कृष्ण रे कराय जोईछे रस आस्वादन किरार सहाय जोईछे सुनो विवरण। कैसे कैसे लोग सहायता करता है कृष्ण को, कृष्ण को आनंद देता है, कृष्ण को सेवा करके आनंद देता है। कैसे ये सुनिए, ऐसा बोल रहा है। कृष्ण रे कराय जोईछे रस आस्वादन किरार सहाय जोईछे सुनो विवरण। इसका डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। कृष्ण कांतो गौन देखी त्रिविध पुकार। कृष्णों का जो कांतो है, कांतो रस, कृष्णों का जो मधुर रस का, कृष्णों का जो मधुर रस का जो कांता है, ये भी तीन प्रकार का। एक लक्ष्मीगण, एक लक्ष्मीगण लक्ष्मीगण और पूरे महिषीगण। पूर बोलते, पूर बोलने से मथुरापुरी, दारुकापुरी, ये सब पूरी। पूरी में जो महिषीगण है ये सब, और लक्ष्मीगण जो नित्य विराजमान जो है लक्ष्मीगण, एक लक्ष्मीगण, पूरे महिषीगण और वृंदावन का अंदर में ब्रजंगनागण, ब्रजांगना स्वरूप। तो एक लक्ष्मी कैसा, कृष्णो कांतो गौन, कृष्णो कांता, कृष्णो कांता गौन। देखिए त्रिविध उपकार, कृष्णो कांता गणों का विचार करके देखा जाए तो तीन किस्म का है। एक लक्ष्मी नित्य विराजमान है, और पूर्व में मथुरापुरी द्वारकापुरी में जो महिषीगण है और ब्रजांगना अर्थात ब्रजगोपियों जो है ब्रज का अंदर में। और तो कृष्णो एक लक्ष्मीगण, पूरे महिषीगण और ब्रजांगना रूप, ब्रजांगना ब्रजांगना रूप और कांतागण सार। श्रीमती राधिका से श्री राधिका होते कांतागणेर विस्तार। श्रीमती राधारानी से, श्रीमती राधारानी से तमाम कांतों कांतागणों का विस्तार। इसका बोलता नाम है कायब्बो। श्रीमती राधारानी का शरीर से ललिता विशाखा चंद्रवल सारे फ्रॉम श्रीमती राधारानी, जो हमने राधाष्टमी का दिन में बताया था। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हेमाद्रिजा पुलो मजा विरंचिजा बरो। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हेमाद्रिजा पुलो मजा विरंचिजा बरो। तो देखो क्या बात है, देखो कैसा है। कृष्ण कांतागण देखिए त्रिविध उपकार, एक लक्ष्मीगण, पूरे महिषीगण और भुजंगना रूप और कांतागण सार। कांतागणों में ब्रजांगना ब्रजगोपियों सबसे श्रेष्ठ है। श्री राधिका होते कांतागणेर विस्तार। श्रीमती राधारानी का, श्रीमती राधारानी का, श्रीमती राधारानी का कायब्रु, श्रीमती राधारानी का कायब्रु का विस्तार है ए गोपियों। श्रीमती राधारानी का कायब्रु का विस्तार है ए राधारानी। श्रीमती राधारानी से कांतागण विस्तार। अवतारी कृष्ण जो इच्छे करे अवतार, अवतारी अवतारी कृष्ण, अवतारी कृष्ण, अवतारी कृष्ण जैसे अवतारी कृष्ण, अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अवतारी कृष्ण अवतारी, क्योंकि कृष्ण स्वयं अवतारी। कृष्ण से सारे अवतार होते रहता है, कृष्ण स्वयं अवतारी है। अवतारी गौण जनो अवतारी, अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार। अंशी राधा होते तीन गणेर विस्तार। ठीक जैसे कृष्ण कोई अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है, स्वयं अवतारी। ठीक ऐसे ही श्रीमती राधारानी शक्ति है। ये अंशिनी अर्थात परिपूर्ण तमो राधारानी है, परिपूर्ण तमो ये राधारानी है अंशिनी। और ये अंशिनी श्रीमती राधारानी से चाहे मथुरापुरी में चाहे द्वारकापुरी में जो कांतागण है, कांतागण ये जो कांतागण है अंशिनी राधा होते तीन गणेर विस्तार। श्रीमती राधारानी से मथुरापुरी में मथुरापुरी में कांतागण, द्वारकापुरी में कांतागण, या तो वृंदावन का अंदर में जो गोपियों का है सारे राधारानी का कायभोग से आए हुए, सारे श्रीमती राधारानी का कायभोग का विस्तार। काजी लिखा हुआ है अवतारी कृष्ण जो इच्छे करे अवतार अंशिनी राधा हईते तीन गणेर विस्तार वैभव गण जान तार अंग विभूति बिम्ब प्रतिबिम्ब रूप महिषीर तति लक्ष्मीगण तार वैभव विलास अंश रूप महिषीगण प्राभव प्रकाश स्वरूप लक्ष्मीगण तार वैभव विलास स्वरूप आ लेकिन महिषीगण प्राभव प्रकाश स्वरूप प्राभव प्रकाश स्वरूप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अवतारी भगवान श्री कृष्ण जैसे पुरुषादि अवतार गणों को विस्तार करता है अवतारी कृष्ण स्वयं, जिनके अवतार हैं जैसा तारे पुरुष अवतार कर्णनवसाई गर्भदुसाई क्षीरदुसाई जो कुछ भी है से अवतारी रूप अवतारी स्वरूप कृष्णों जैसे पुरुषादि अवतार गणों का विस्तार करता है। ठीक ऐसे ही श्रीमती राधा रानी समस्त तरह तरह का डिफरेंट कैटेगरी का श्रीमती राधिका रानी समस्त कांतागणों का अंशिनी अर्थात इनके अंशों से लक्ष्मीगण महिषीगण और ब्रजांगनागण विस्तृत हुआ है। काव्य विस्तार के ये सारे कांतागण इनके अंगो विभूति का रूप में वैभव गण का मध्य में गिनित गणन किया जा सकता है, वैभव गणों का अंदर में परिगणित हो सकता है। और बिंब प्रतिबिंब रूप में बिंब प्रतिबिंब रूप में महिषीगण का विस्तृति इसी का अंदर में विचार यही है, इसी का मन इसी का अंदर में स्पेशल विचार यही बनता है कि लक्ष्मीगण श्री राधा रानी का वैभव विलास अंशरूप यही पार्थक्य है क्या ना श्रीमती लक्ष्मीगण श्री राधा रानी का वैभव विलास अंशरूप और महिषीगण इनके प्राभव प्रकाश स्वरूप। ब्रजोदेवी गण इनके अपना कायभ्य रूप आकार और स्वरूप भेदे रसेर कारण हुई सारे श्रीमती राधा रानी के कायभ्य से विस्तृत हुए विस्तृत हुई है। बहु ब्रजोदेवी गण जो ब्रजोदेवी गण हैं इनके अर्थात श्रीमती राधा रानी का कायभ्य रूप आकार और स्वरूप भेदे रस का कारण बनके विराजमान है। बहुकांता बिना रसेर उल्लास होता नहीं, बहुकांता के अलावा रस का उल्लास होना मुश्किल है इस अपरा की जगत में। इसीलिए लीला का सहाय लीला का सहाय स्वरूप ऐसे बहुत प्रकाश हो सकता है। इन सभी का अंदर में ब्रजरस सबसे ऊपर है, तरह तरह का भाव रस का भेद के अनुसार कृष्णों को वहाँ तिनी रासादी लीला का आस्वादन कराते रहते। कृष्णों को श्रीमती राधा रानी तमाम जो रस का विलास है इसका आस्वादन कराते रहती हैं। सो लक्ष्मीगण तार वैभव विलास स्वरूप महिषीगण तार प्राभव प्रकाश स्वरूप आकार स्वरूप भेदे ब्रजदेवीगण कायभ्य रूपे तार रसेर कारण बहुकांता बिना नहे रसेर उल्लास बहुकांता नहीं होने से रस का विलास होता नहीं और जड़ जगत में बहुकांता होने से सब खिचड़ी बन जाता है, व्यभिचार बन जाता है। अपरागिक जगत में ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान एकमात्र रसिक शेखर एकमात्र हीरो है और बहुत सारे हीरोइन और प्राकृतिक जगत में, लेकिन हीरो एक है। लेकिन प्राकृतिक जगत में बहु हीरो बहु हीरोइन बहुत व्यभिचार है, इसके लिए बहुत सारे हंगामा होता है। लेकिन वहाँ कृष्ण छोड़ के कोई हीरो नहीं है, कोई नहीं है। तो बहुकांता बिना नहीं रसेर उल्लास लीलार सहाय लागी बहुत तो प्रकाश। बहुकांता नहीं होने से रसों का एक्सचेंज आनंदमय विलास होना संभव नहीं होता। इसीलिए लीला, ये लीला का सहाय करने के लिए श्रीमती राधा ने का बहु प्रकाश अपना काव्य का प्रकाश किया। इनके अंदर में तार मध्य ब्रजे नाना भावरस भेदे, इसी हिसाब का अनुसार ब्रज के अंदर में भाव और रस का डिफरेंट डिफरेंट भेद के अनुसार कृष्णों को रस आस्वादन कराने वाली और कराने वाला होता है। बहुत सारे तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे कृष्ण के कराए रासादिक लीला आस्वादन, भगवान को रासादिक लीला आस्वादन कराते हैं रसिक शेखर। और भी सारे प्रमाण हैं। गोविंदा नंदिनी राधा जैसी गोविंदों से अलग कुछ नहीं है, गोविंदों के द्वारा ही इनके जितना सारे आनंद है, आनंद का सोर्स गोविंद और कुछ नहीं। जैसे हम लोगों का बहुत सारे वस्तु है, किसी वस्तु किसी व्यक्ति से रस आस्वादन होता है, लेकिन कृष्णों का ऐसा नहीं। कृष्णों का एक ही है श्रीमती राधा। अगर बहुत दिखता है गोपियों के भेद हैं, ये भी राधा रानी अकेली है। उसे काव्यों का विस्तार अकेले पहले बता दिया हमने। बहुकांता बिना नहीं रसेर उल्लास रसेर सहाय लगी बहुत प्रकाश। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, ब्रज की अंदर में तरह तरह का रस और भाव विभेद का अनुसार कृष्ण को अलग अलग सा टेस्टफुल रस आस्वादन कराते रहते हैं। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे कृष्ण के कराए रासादिक लीला आस्वादे। गोविंद नंदिनी राधा गोविंदानंदिनी, गोविंदों के द्वारा ही जिसका आनंद है, गोविंदों के जिनको आनंदित करती हैं। गोविंदानंदिनी राधा गोविंदो मोहिनी, गोविंदो सर्वस्व सर्वकांत शिरोमणि। क्या बताया? गोविंदानंदिनी गोविंदों को आनंद देने वाली एक ही हैं। जैसे राधा रानी को अनुकूला अनुकूलन कृष्णानुशीलन बोला ना शुद्ध भक्ति में। शुद्ध भक्ति में क्या बताए? अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्ति। ये जो अनुकूलन फेवरेबल, ये अनुकूलन गुरुवर्गों ने व्याख्या किया अनुकूला राधा रानी। राधा रानी इज द टॉप मोस्ट among all gopikas. एकमात्र तो राधा रानी जानती है कैसे हाउ टू गिव एक्सीलेंट एंजॉयमेंट, एब्सोल्यूट एंजॉयमेंट टू कृष्ण। राधा श्रीमती राधा रानी ऑल अवेयर अबाउट इट। इसलिए गोविंदानंदिनी राधा गोविंदो मोहिनी, यहाँ तक कि गोविंदों को भी मोहित कर देती है। गोविंदो पूरा दुनिया को मोहित करता है। गोविंदो कैन हैं फॉर गोविंदो होल वर्ल्ड कैन फील अट्रैक्शन, सो अट्रैक्टिव है। लेकिन गोविंदो ऑल्सो फीलिंग अट्रैक्शन फॉर श्रीमती राधा। नाउ यू सी द पोजिशन, द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन इन दिस इंफिनिटी वर्ल्ड इज कृष्ण हिमसेल्फ, नथिंग एल्स। वॉट एवर वी आर फीलिंग द माया आर दैट कृष्ण हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ infinity attraction of infinity world, but that Krishna also feeling attraction by Radharani. Now see the position of Srimati Radharani. जो गोविंदो पूरा दुनिया को आकर्षण कर सकता है, जिसका नाम कृष्णो गोविंदो, उसी गोविंदो को आकर्षित करती है श्रीमती राधा। गोविंदो भागे चले आते हैं राधानी का। तो इसका बारे में बताया, तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे कृष्ण के कराए रासादिक आस्वाद। गोविंदानंदिनी राधा गोविंदो मोहिनी, ये गोविंदो का आनंद देने वाली है, एब्सोल्यूट आनंद देने वाली। हाउ कृष्ण कैन बिकम एब्सोल्यूटली हैप्पी, the this kind of information only there with Srimati Radha, nobody knows. So Govindanandini Radha or Govindo Mohini, Radharani can hypnotize Krishna. Radha hypnotize Krishna. So attractive. So Govindanandini Radha Govindo Mohini, Govindo Sarvasya. The only property in the inside Radha, inside the heart of Radharani, Govindo, nothing else. इसलिए बताया, एक तो है गोविंद गोविंदानंदिनी राधा, इसका बाद गोविंद गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोह मोहित कर देती है, और गोविंदो सर्वस्व, गोविंद सर्वस्व अर्थात जिनके हृदय में गोविंद छोड़ के कुछ संपत्ति है नहीं। और उल्टा विचार करो, जिनके हृदय में राधारानी छोड़ के कुछ है नहीं, इसका नाम है गोविंदो। गोविंदानंदिनी राधा गोविंदानंदिनी गोविंदो आनंदिनी गोविंदानंदिनी राधा गोविंदो मोहिनी गोविंदो सर्वस्व, जिनके जीवन में गोविंदो ही सर्वस्व है। और घुमा के कहे, गोविंदो जिसका सर्वस्व है और जो गोविंदो का सर्वस्व है, ये भी कह सकता है। गोविंदो सर्वस्व बोलने से गोविंदो जिसका सर्वस्व, गोविंदो जिसका सर्व, और गोविंदो का जिन्होंने गोविंदो का सर्वस्व है, गोविंदो का अल्टीमेट ट्रेजर श्रीमती राधारानी। राधारानी का चरण कमल गोविंदो का एकमात्र संपत्ति है। इसलिए गोविंदो भगवान निष्किंचन है, दुनिया को किसी संपत्ति किसी को लिया नहीं, एकमात्र राधारानी का चरण है। सो गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वो कांता शिरोमणि, तमाम कांताओं में श्रीमती राधारानी टॉप मोस्ट, कांताओं में टॉप मोस्ट राधा। सो गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। बृहद गौतमीय तंत्र में लिखा हुआ है, बृहद गौतमीय तंत्र में लिखा हुआ है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति षण्मोहिनी परा। क्या लिखा है? is the document from बृहद गौतमीय तंत्र। देवी राधारानी इसका बारे में कह गया, इसका बारे में लिखा हुआ है, देवी कृष्णमयी। कृष्णमयी कौन है? जिनको अंदर में बाहर में तारों और कृष्ण दिखता है, एक्सेप्ट कृष्ण सी कैनॉट सी एनीथिंग, इसका नाम है कृष्णमयी। कृष्णमयी में wherever he can, she can look and watch, he can think, all Krishna, nothing else. So, Devi Krishnamoyi, inside, outside, everywhere Krishna, Krishna, Krishna. So, Devi Krishnamoyi, Prakta, Radhika, Parodevata, Radharani Parodevata, and Sarva Lakshmi. जितना इन्फिनिटी लक्ष्मी लक्ष्मी है, अनंत ब्रह्मांड, वह जहाँ प्राकृत अपराकृत जगत जहाँ लक्ष्मी विराजमान है, विराजमाना जो लक्ष्मी, वो सारे जो हैं, ये श्रीमती राधारानी सबकी आकर है। अर्थात जितना सारे तमाम लक्ष्मी हैं, सारे श्रीमती राधारानी से आई हुई है। सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति षण्मोहिनी परा, सर्वकांति परदेवता श्रीमती राधारानी राधिका देवी साक्षात कृष्णमयी और सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति कृष्णो सन्मोहिनी, कृष्णों को हिप्नोटाइज करते हैं और पराशक्ति, पराशक्ति बोल के फेमस है। पराशक्ति क्या है? देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति ही सन्मोहिनी परा। अभी देवी शब्दों का मीनिंग खुलासा कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय देवी? देव देवी, देव देवी मैस्कुलिन या ना फेमिनिन, बट स्टिल व्हाट इज द इनर मीनिंग ऑफ देवी? देवी मीन ऑल एफल्जेंस कमिंग फ्रॉम बॉडी, लाइट, ज्योति। देवी को ही दो तो माना, परमा सुंदरी। देवी मीन very very beautiful and body effulgence common out, power, body power. Devi ko hi dotomana parama sundari kingba krishna puja kirar vasati nagari, in krishna kirar vasati nagari duti, duti ke sath virajmana parama sundari, isliye iska naam hai devi। Aur ye bhi ho sakta hai कृष्णो पूजा रूप जे किरा, ये इसका जिंदगी में कृष्णो पूजन, कृष्णों को प्यार, कृष्णों को सेवा छोड़कर दूसरा कोई मतलब नहीं है जिसका जिंदगी में दूती विशिष्टा परमा सुंदरी किंबा कृष्णो पूजा रूप जे किरा, इनके बसती स्थान बोल के इनके नाम देवी। कृष्णोमयी शब्दों का दो अर्थ हो। एक अर्थ तो है जिनके अंतर बाहर में कृष्णा विराजमान है, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, ये हो सकता है। जे जे खाने कृष्ण स्फूर्ति हो अथवा कृष्ण का स्वरूप प्रेम, प्रेम रसमय, इनके शक्ति, इनके शक्ति इनके साथ अभिन्न है, एक ही तत्व, इसीलिए भी कृष्णा, इसीलिए भी कृष्णमयी, ये सेकेंड अर्थ हो सकता है। चलो जो इच्छा है आप ले लो। और कृष्णों का जो अप्राकृत इच्छा है, कृष्णों का जो अप्राकृत डिजायर है, कृष्णों का वांछा है, अप्राकृत डिजायर है, कृष्ण वांछा पूर्ति करने के लिए जो दिन भर हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड विचार करती रहती है, कृष्णों का जो डिजायर है इसको पूर्ति करने के लिए कृष्णों वांछा पूर्ण रूप आराधन कार्यो, कृष्णों का वांछा पूर्ति करने के लिए जो अपना प्रयास प्रचेष्टा है, इसलिए इसका नाम राधिका। अनया रा, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, राधितो आराधितो, राधितो by Srimati Radharani, Krishna is getting absolute satisfaction, no comparative statement. So, इसीलिए भी इसका नाम है किंबा कृष्णमयी, कृष्णजार अंतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नित्य परे कहाँ कृष्ण स्वरूप हो सकता, किंबा कृष्णो रसमय, कृष्ण स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, कृष्ण कृष्ण रसमय, कृष्ण स्वरूप। और इनके जो शक्ति है, शक्ति अशक्ति मतुर अभेद, इसीलिए इसका नाम कृष्णमयी ये भी हो सकता है। तार शक्ति तार सहो होय एक रूप, ये भी हो सकता है। कृष्णो वांछा पूर्ति, कृष्णों का एनी डिजायर, कृष्णों का वॉट एवर डिजायर, कृष्णो वांछा, कृष्णों का डिजायर फुलफिल करने के लिए श्रीमती राधारानी है। कृष्णो वांछा पूर्ति रूप करे आराधन, कृष्णो वांछा को पूर्ति करने के लिए जो आराधना अथवा सेवा करती है, इसलिए इसका नाम अनायाराधित नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो जम आनंद रहो। ये अनायाराधित by that lady, by that Srimati Radharani, Krishna getting full satisfaction. Anayaradhito nunam, definitely. Anayaradhito nunam, Bhagavan Haririshwaraha, yanno vihayo govindaha, prito yam anayadraho. आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। श्रीमती राधारानी का तत्व चल रहा है, कृष्ण तत्व तो सारे पूरा ध्यान से फुल अटेंशन सुनना है। इसमें काल बाकी आगे का हिस्सा चर्चा हो सकता है। सौ वही पुंसाम परो धर्मो या तो भक्ति रधक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जयत्मा सु प्रसिद्धति वांछा कल्पतरुषि के पास पतितानंग पावन भविष्णभ्यो नमो।